झारखंड में 125 यूनिट मुफ्त मिलेगी बिजली। चंपई बोले, हेमंत ने किया समझौता इसलिए हुई जेल, मैं हेमंत पार्ट टू। गुमला में 3 लोगों को कुल्हाड़ी से काटा, मौत एक गंभीर। लकड़ी बंटवारे को लेकर हुई लड़ाई, आरोपी बोला, टांगी छीनकर मैंने सबको मारा। 6 फरवरी से लापता बबलू का शव बरामद, कुएं में गिर गया था बबलू, 5 दिनों से शव तलाश रही थी पुलिस। साहिबगंज डीसी विनोद सिंह, कांग्रेस सांसद से ईडी की पूछताछ, हेमंत से जुड़ रहे सभी तार। बीएमडब्ल्यू ट्रांसफर पोस्टिंग, अवैध खनन को लेकर सवाल जवाब। उत्तर भारत में बर्फबारी का झारखंड में असर, सुबह शाम चल रही ठंडी हवाओं ने बढ़ाई परेशानी, 11-13 फरवरी तक बारिश के आसार। जेएसएससी पेपर लीक में चेन्नई से 2 गिरफ्तार, दोनों बिहार के रहने वाले, पटना में छापेमारी। रांची के कोचिंग संचालकों से भी होगी पूछताछ। रांची में दिखेगी रोहित की कप्तानी, टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। बरियातू में हाईवा ने बाइक में मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत। राज्यसभा सांसद धीरज साहू पहुंचे ईडी दफ्तर, बीएमडब्ल्यू का कनेक्शन खंगाल रही एजेंसी। सारनाथ एक्सप्रेस में फायरिंग, आरपीएसएफ जवान की मौत। हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने इस मामले में जमानत याचिका की खारिज। पंकज मिश्रा को नहीं मिलेगी जमानत, झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, अवैध खनन मामले में जेल में बीतेंगे दिन। सड़क हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, तेज रफ्तार टाटा मैजिक ने मोटरसाइकिल में मारी टक्कर, 1 की मौत दूसरा घायल। हरियाणा में जीएसटी सुपरिटेंडेंट सीए गिरफ्तार, एबीसी ने 10.5 लाख की रिश्वत लेने पर पकड़ा, उद्योगपति से 12 लाख मांगे थे। लोकसभा चुनाव 2024 उम्मीदवार सर्वे, झारखंड में आपकी सीट पर कौन होना चाहिए कैंडिडेट, चुनिए अपनी पसंद का नेता। चरखी दादरी की 107 वर्षीय दादी ने जीते गोल्ड मेडल, हैदराबाद के मैदान में लगा रही दौड़, रामाबाई की बेटी ने कब्जा सिल्वर। हरियाणा की सब्जी मंडियां बंद, मार्केट फीस के विरोध में उतरे आढ़ती, अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान, सरकार से सिरे नहीं चढ़ी वार्ता। पंजाब में आज एएपी सुप्रीमो केजरीवाल, लोकसभा चुनाव से पहले तीसरी रैली, लुधियाना में घर घर मुफ्त राशन स्कीम करेंगे शुरू। पटियाला में हाईवे लुटेरे गैंग के 5 बदमाश काबू, जलंधर लुधियाना में करनी थी लूट, 3 पिस्टल बरामद, दिल्ली में 20 मामले हैं दर्ज। चंडीगढ़ कांग्रेस में आवेदन के लिए आखिरी दिन आज, लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं ने ठोकी दावेदारी, पवन बंसल सहित कई दावेदार। हिमाचल में बर्फ के बीच पर्यटकों की मस्ती, कुफरी में स्कीइंग का उठा रहे आनंद, मनाली पहुंचे 680 टूरिस्ट व्हीकल और लग्जरी बसें। हिमाचल के आईएएस अभिषेक जैन को दिल का दौरा पड़ा, इलाज के लिए आईजीएमसी के आईसीयू में भर्ती किया गया, हालात स्थिर। फाजिलका में पत्नी की मौत, पति घायल, डिवाइडर तोड़ कार पर गिरी गाड़ी, शादी में जा रहा था परिवार। हिमाचल डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी का अचानक निधन, एचपीयू प्रोफेसर सिम्मी का हुआ बीपी लो, 2 दिन बाद घर में जागरण था। हिमाचल सरकार पर भड़के बेरोजगार, गोवा आईटी की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, बोले 3 महीने का वक्त मांगा, 1 साल में नहीं निकाला रिजल्ट। चंडीगढ़ कोर्ट में दाखिल हुई चार्जशीट, पंजाब के मंत्री अनमोल गगन मान समेत 4 नेताओं के हैं नाम। हरियाणा में पंजाब दिल्ली से सटे बॉर्डर सील, किसानों से निपटने के लिए पुलिस की मॉक डील, डीजीपी बोले उपद्रवियों से सख्ती से निपटेंगे। चंडीगढ़ में भाजपा ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी, आज से खुलेंगे चुनाव कार्यकाल, बीजेपी प्रभारी विजय रूपाणी करेंगे उद्घाटन। चंडीगढ़ में शिक्षक बनने का मौका, प्रशासन ने 303 टीजीटी पदों पर भर्ती का रास्ता किया साफ, 26 फरवरी से होंगे ऑनलाइन आवेदन। नशे के लिए इंजेक्शन का कॉकटेल बनाया, हाई डोज से मौत, धनवंतरी हॉस्पिटल के बाथरूम में डेड बॉडी मिली, कंप्यूटर ऑपरेटर था। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एयरफोर्स दिखाएगी अपनी ताकत, 121 फाइटर प्लेन तैनात किए, राफेल सुखोई के साथ प्रचंड और रुद्र भी शामिल, 15,000 जवान पहुंचेंगे। जयपुर में रामबाग गोल्फ क्लब पर चला बुलडोजर, जेडीए की जमन पर किया था अवैध निर्माण, गिराया अधिकारी बोले 7 दिन पहले नोटिस दिया था। माफिया विजय के तबाह हुए कुनबे की क्रोनोलॉजी, बाहुबली को सजा के 16 दिन बाद बेटी की 23 करोड़ की प्रॉपर्टी सील, बेटा बहु पत्नी पर एक्शन।
हल्द्वानी हिंसा, तीसरे दिन भी कर्फ्यू, स्कूल इंटरनेट बंद, 5000 उपद्रवियों पर मुकदमे, दंगे बाला इलाका अर्धसैनिक बलों के हवाले, कांग्रेस ने कहा जज से कराए जांच। पुणे में पत्रकार निखिल वागले की कार पर हमला, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंकी, शीशे तोड़े, पीएम मोदी अडानी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। अहमदाबाद मुंबई बुलेटिन रेल प्रोजेक्ट, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में देश की पहली 7 किलोमीटर लंबी अंडर सी टनल का काम